आज हम लोग क्लास 11 का त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो हमको क्वेश्चन डिग्री में दिया है, हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तो पहला प्रश्न में है, पहला भाग इसमें लिखा है 25 डिग्री, ठीक ना, डिग्री है, डिग्री से हमको रेडियन बदलना है। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। देखिए यहाँ होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक ना। ऊपर सी ये रेडियन का सिंबल होता है और ये डिग्री का होता है। तो डिग्री और रेडियन में ये संबंध होता है कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है। तो हम एक डिग्री बराबर क्या निकालेंगे, तो पाई बटे 180 डिग्री ये रेडियन, ठीक ना। तो हमको 25 डिग्री को बदलना है, तो लिखेंगे 25 डिग्री बराबर लिखेंगे पाई बटे 180 गुणे 25। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा, 5 पचे 25, ये 36 बार में कट जाएगा, ठीक ना। 5 तें 15 और 5 छक्के 23, तो ये बचा कितना, देखिए आ गया, तो ये आ गया 5π/36, ठीक ना। इसको पूरा ब्रैकेट डालकर हम यहाँ सी लिख सकते हैं कि ये रेडियन में है ना। तो मतलब 25 डिग्री 5π/36 रेडियन के बराबर होता है। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं इसी का, तो इसमें देखिए लिखा है -47 डिग्री 30 मिनट, है ना, एक डॉट एक लाइन ही चाहे, मतलब ये मिनट में होता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस पूरे को ही हम पहले डिग्री में बदल लेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए इसको बदलें, देखिए माइनस में है, तो पहले हम सबको पहले हम प्लस ले कर चलेंगे, और जब इस डिग्री का रेडियन में जब बदल जाएगा तो हम वहाँ माइनस लगा लेंगे, ठीक ना। तो देखिए 47 डिग्री 30 मिनट, इसको हम ले सकते हैं 47 डिग्री + 30 मिनट। अब देखिए मिनट और डिग्री में क्या संबंध है, उसको हम देख लेते हैं। तो हमको मालूम है कि 1 डिग्री = 60 मिनट होता है, ठीक ना, या कह लीजिए 60 मिनट = 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट = 1/60 डिग्री हो गया। तो हम इस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट = 1/60 डिग्री होता है, तो 30 मिनट = कितना होगा वो देख लेंगे। तो 30 × 1/60 ये आ गया डिग्री में। तो 30 + 1 = 30, 30 × 60 मतलब 1/2 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, ठीक ना, ये हमने निकाल लिया यहाँ से, 1/2 आएगा। अब इसको हल कर लें, देखिए ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। तो अब इसको लघुत्तम लेते हैं, जैसा करते हैं 47 × 54 = 55, सॉरी 95/2, तो ये पूरा डिग्री में आ गया, ठीक ना। 47 × 94 और 95/2 आ गया। तो ये पूरा क्वांटिटी डिग्री में आ गया। अब हम इसको रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में हमने देखिए ये वाला जो संबंध लगाया है, तो इसका मतलब होता है कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो हम पाई बाई 180 से इनटू करेंगे इसको, ठीक। तो लिखते हैं 95/2 × π/180, तो ये हमको पूरी क्वांटिटी रेडियन में प्राप्त हो गई, ठीक ना। हम ये रेडियन लास्ट में लिखेंगे, तो अब देखिए हल करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 5 के पाना से कट रहा है, 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45 और ये 36 बार में, तो इसका उत्तर आ गया 19π/36 × 72। तो देखिए ये कितना आया, 47 डिग्री 30 मिनट का आंसर आया, ठीक ना। और अगर हमें माइनस में चाहिए तो हम लिखेंगे −47 डिग्री 30 मिनट = −19π/72,
तो ये पूरे क्वांटिटी देखिए रेडियन में आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार लिखे, या तो इसको भी हटा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट लगाइए ना लगाइए ऐसे भी ये देखिए, या तो यहाँ पर हम रेडियन लिख लेते हैं रेडियन, ठीक ना। या तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ सी लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडियन होता है, और इसको चाहे तो आप ब्रैकेट हटाकर ये सी हटाकर इस प्रकार हम इसको रेडियन में लिख सकते हैं। तीसरे में है 240 डिग्री, तो देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे इसको, देखिए हम मालूम है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक ना, ये पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, तो 240 डिग्री बराबर, तो लिखेंगे 240 डिग्री बराबर 240 गुणे पाई बटे 180, तो इसको हल कर लेंगे, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 6 के पढ़ा में 6 3 18 6 4 24, तो देखिए क्या आ गया 4π/3, ठीक ना। तो इसको आप रेडियन में इस प्रकार रेडियन में लिख दीजिए, है ना, या तो ब्रैकेट डालकर सी ऊपर लिख दीजिए, तो 240 को अगर रेडियन बदलेंगे डिग्री से तो ये 4π/3 आया। अब एक अंतिम भाग बचा है उसको देखते हैं, देखिए फोर्थ नंबर है इसमें, इसका लिखा है 520 डिग्री, तो ये संबंध हमको मालूम है, तो इस हिसाब से 520 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में तो जाएगा 520 गुणे पाई बाई 180, बस ये 0 0 कट गया, और इसको 2 के पाना से 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, तो ये आंसर आ गया 26π/9 रेडियन, ठीक ना। तो इसका प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित रेडियन मान के संगत डिग्री मान में मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो जैसे पहले प्रश्न में था डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, इस बार रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, और इसमें पाई का मान 22/7 का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, तो इसको लिख लेते हैं। पहला भाग है देखिए 11/16, ठीक ना, तो रेडियन में है, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए देखिए हमको मालूम है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, ठीक ना। तो अब देखिए 11/16 रेडियन बराबर कितना, तो हम लिखेंगे 11/16 बराबर 11/16 गुणे 180/π, तो पूरा हमको डिग्री में प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 22/7 मान रख लेंगे इसका, तो 11/16 गुणे 180/22/7, है ना, तो 22/7 रहेगा, तो बटे का 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, 11 1 11 11 2 22, अब इसको काट लेते हैं, देखिए 2 1 2 2 9 18, और ये 2 से भी कट जाएगा, तो लिखेंगे 2 8 16, 2 45 बाद में, ठीक ना, 45 2 90 होता है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 7 5 35 हासिल 3, 7 4 28, 29 30 31/8, तो देखिए ये पूरा डिग्री में आ गया। और डिग्री में देखिए इसको भिन्न में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसको बाद हमको डिग्री के बाद हमको मिनट और सेकंड की भी इकाई प्राप्त है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले डिग्री से अगर ज़रूरत पड़े तो मिनट में, और मिनट के बाद भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डिग्री है, इसको पहले हम भाग दे लेते हैं, तो 8 315 को 8 से भाग देंगे, तो 8 3 24, ठीक ना, तो ये 7 आ गया, 5 8 9 72, ये 3 आ गया, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको लिखेंगे 39 3/8, ठीक ना, तो ये डिग्री में है, इसको अलग कर लेते हैं, पूर्ण संख्या यहाँ लिख देते हैं 39 डिग्री + 3/8 डिग्री, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए ये भिन्न में लिखा हुआ है, ठीक ना, तो डिग्री को भिन्न में नहीं रखते, इसको आगे हल करते हैं,
तो देखिए अब डिग्री से क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको मालूम है चूंकि वो एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो इतना डिग्री बराबर कितना होगा, तो एक एक नियम से लगा लेंगे इसको। तो लिख लेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 गुणे 60 कर लेंगे, तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक ना, डिग्री को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, मिनट को फिर 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए 2 2 4 8 और 2 3 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4 ये 15 बार में। ठीक ना, तो इस प्रकार आया, 2 के पहले से पहले काटा, फिर 2 से काट लिया, तो ये हो गया। देखिए 39 डिग्री प्लस 15 3 45 / 2 मिनट आ गया, तो मिनट में आ गया ये। अब देखिए मिनट में भी ये भिन्न में है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसको भाग दे के पहले इसको सेकंड में भी बदलने का कोशिश करेंगे। तो हम इसको भाग दे लेते हैं, 45 को 2 से भाग करेंगे तो 2 2 4 और 2 2 4 एक बचा, इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 सही 1/2 मिनट। तो इसको देखिए लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक ना, तो ये जो मिनट है पूर्ण संख्या में है, तो ठीक है ये भिन्न में लिखा है, तो इसको हम फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको मालूम है कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 गुणे 60, तो ये हो गया सेकंड में बदल गया, है ना। सेकंड के लिए डबल ऊपर लाइन लगाते हैं, डैश लिखते हैं इसको, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, इसको सरल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो जाएगा 30 सेकंड। अब इसको प्लस हटा देंगे तो जो आया है अपना उत्तर आ जाएगा, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो इस प्रकार 11/16 का उत्तर ये हमको प्राप्त हो गया, तो इसका पहला भाग हो गया। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में -4 रेडियन लिखा हुआ है, ठीक ना। इस -4 को हमको डिग्री में बदलना है, तो देखिए पहले हम प्लस में लेके चलेंगे, फिर लास्ट में माइनस लगाएंगे। तो इसका देखिए 4 रेडियन का हमको ज्ञात करना है। अब हमको रिलेशन पता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180/π। ठीक ना, तो 4 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, 4 रेडियन बराबर 180 × π/π × ये 4। ठीक ना, पाई का मान रख लेते हैं यहाँ पर, 180/22/7 × 4। ठीक ना, पाई का मान 22/7 है, तो 22 / 7 में थे तो ऊपर चला जाता है ये। इसको हल करते हैं, तो जगह 2 2 4 ये 11 बार में। ठीक ना, और कोई 11 से कट नहीं रहा है, तो सीधे इसे गुणा करके लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इसका पहले 180 × 2 कर लेते हैं, तो जगह 360 × 7/11। अब इसका 7 गुणा कर लेते हैं, 7 6 42 और 7 3 21, 21 4 25, ये हो गया 21 20, ये 11/2, ये हो गया डिग्री में। ठीक ना, अब देखिए डिग्री में भिन्न में है, तो इसको हम आगे मिनट में और सेकंड में भी बदलेंगे, हमको डिग्री को भिन्न में नहीं रखना है। तो हम इसको 11 से भाग दे लेते हैं यहाँ पर। देखिए 11 से भाग दिया 25 20 में, तो ये प्राप्त हुआ 11 2 22 और 11 2 22 फिर हो जाएगा, और ये 10 9 बार में 99 और 100, ये प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 229 सही 1/11 डिग्री। ठीक ना, तो जो पूर्ण संख्या वाला भाग है उसको अलग लिख लेते हैं, प्लस 1/11 डिग्री जो है उसको अलग लिख लेते हैं।
देखिए ये डिग्री पूर्ण संख्या में आ गई, अब ये डिग्री वाला बटे में है, भिन्न में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे। तो एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो क्या करेंगे जब कभी डिग्री से मिनट में बदलते हैं तो गुणे 60 करते हैं, तो हम यहाँ पे 60 कर लेते हैं। यहाँ करेंगे 229 डिग्री प्लस 1/11 गुणे 60, ठीक ना, तो ये हो जाएगा मिनट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 60/11 लिखा हुआ है, ये देखिए 60/11 मिनट। तो इसको हम देखिए भिन्न में है तो भिन्न में नहीं रखेंगे, इसको हम भाग दे के मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको भाग दे लेते हैं 11 से, इसमें 60 से भाग देना, तो 11 × 55 ही हो जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 229 डिग्री प्लस, ये लिखेंगे 5/5/11 मिनट। तो इसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए यह है पूर्ण संख्या मिनट प्लस 5/11 मिनट, ठीक ना। अब ये जो मिनट वाला जो भिन्न वाली संख्या है इसको हम इसमें फिर 60 गुणा करेंगे तो ये हमको सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 गुणे 60, तो ये अपना सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और ये जाएगा 6×5=30, 300/11, ठीक ना। तो अब इसको हम भाग दे लेते हैं 11 से, तो देखिए 11 से भाग देने से क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 × 22 और ये 8, 11 × 7=77, ये 3 आ गया, और दशमलव लगाएंगे तो 0, 11 × 22, फिर ये 8 प्राप्त हो गया तो 7 है ना, तो 27.27 आया है। तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए सन्निकट मान के लिए करेंगे तो इसको देखिए 7 5 या 5 से अधिक है, तो इसको हटाएंगे तो बगल वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.3, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27.3 सेकंड, ठीक ना। तो अब देखिए 4 का मान कितना आया, 4 रेडियन बराबर 239 डिग्री 5 मिनट और 27.3 सेकंड, ठीक ना। अब देखिए माइनस में है हमको, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस 4 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 27.3 सेकंड, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर आया। देखिए एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है इसको केवल 27 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक ना। तो 27.3 का लगभग लगभग मान 27 सेकंड हो जाएगा। देखिए अगर डिग्री में होता तो डिग्री में अगर 27.3 आ रहा है तो उसका वैल्यू होता है थोड़ा सा, मगर जैसे मिनट और सेकंड की बात करें, सेकंड में देखिए तो लिखा है 27.3, तो सेकंड डिग्री और मिनट से कुछ ज़्यादा छोटी इकाई होती है, इसलिए जब 27 के बाद अगर 0.3 लगा है तो वो वैल्यू और छोटी हो जा रही है, ठीक ना। 27.3 के लगभग इसको हम मान के चलेंगे कि 27 सेकंड है, ठीक ना। अगर ये 27.5 होता तो हम इसको 28 मान लिए होते, ठीक ना। तो इसलिए पीछे एनसीईआरटी में केवल ये 27 सेकंड लिखा हुआ है, तो हम इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ लिख देते हैं। देखिए हम एनसीईआरटी की बुक में कितना आंसर लिखा है वो हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो लिखा है -4 डिग्री रेडियन बराबर -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, ठीक ना। इसको 27.3 को लगभग 27 सेकंड ले लिया गया, तो ये इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 का तीसरा में लिखा है 5π/3, इसको डिग्री में बदलना है। तो देखिए इतना तो हमको रिलेशन मालूम था, इसने हमने लिखा ही हुआ है। अब इसको देखिए लिखेंगे 5π/3 बराबर 180/π गुड़े 5π/3 हो गया। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 गुणा कर देंगे तो ये हो गया 300। तो इस प्रकार देखिए 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 300 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इसको डिग्री है, इसको ब्रेक लाइन ना लगाई तब ये 300 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो तीसरा भाग हो गया, अब चौथा भाग देखते हैं इसका, यही देख लेते हैं सेकंड, ये चौथा 7π/6। तो इसको भी इसी रिलेशन से डिग्री से सॉरी रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हम 180/π से गुणा कर देंगे। तो 7π/6 गुणे 180/π से गुणा किया तो देखिए क्या आ गया, π कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 3 9, तो ये आ गया 210 डिग्री, ठीक ना। तो चौथा भाग भी हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर दो के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में है, एक पहिया एक मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो एक सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो इसमें देखिए एक पहिया है, एक पहिया है, देखिए ये बनाया, इसमें बोलता है एक मिनट में 360 परिक्रमा है ना, मतलब जैसे यहाँ से देखिए ये सेंटर है, यहाँ एक बिंदु फिक्स कर दिया, ठीक ना, यहाँ से बिंदु ये ना एक राउंड मारा, दो राउंड मारा, तीन मारा, चार मारा, इस तरह ये बोल रहा है कि पूरा 360 राउंड मारता है, ठीक ना, रिवोल्यूशन कहते हैं इसको, परिक्रमण कर दिया इसने, कितना मिनट में, एक मिनट में किया है, ठीक ना। तो देखिए ये लिखा है एक मिनट बराबर 300 क्या है परिक्रमण, ठीक ना, ये परिक्रमण किया है ना, पूरा ये मतलब परिक्रमण मतलब राउंड मारना है ना, कुल 360 बार घूम गया एक मिनट में परिक्रमण। अब देखिए एक मिनट बराबर हम इसको 60 सेकंड बोल सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक मिनट या 60 सेकंड में कितना परिक्रमा कर दिया, तो लिख देंगे 300 परिक्रमण, ये भी ठीक है, ठीक ना। अगर हम बोले एक सेकंड में कितना, तो एक सेकंड में तो 60 में इतना, तो एक में कितना, तो लिख देंगे 300/60 परिक्रमण। तो एक सेकंड में हमको पता चलेगा कि कितना राउंड मारेगा ये, तो ये 0 0 कट गया, 6 5 30 मतलब 5 राउंड मारा इसने, ठीक ना, 5 रिवोल्यूशन किया इसने, है ना, 5 राउंड इसने एक सेकंड में 5 बार ये घूम गया, ठीक ना। अब बोला देखिए कि कितना इसको रेडियन में, अब देखिए जैसे हमको मालूम है कि अगर कोई भी एक राउंड अगर मार रही है, ठीक ना, एक राउंड मारने पर ये कुल कितना डिग्री कवर कर लेता है, पूरा केंद्र पर कितना अंश का कोण बनता है, तो ये हमको मालूम है। देखिए एक परिक्रमण बराबर 2π रेडियन बनता है, ठीक ना, या इसको यहाँ पूरा लिख लेते हैं रेडियन, है ना, 2π मतलब 360 डिग्री बनता है, ठीक ना, इसको डिग्री में 360 और इसमें रेडियन में 2π होता है। तो एक राउंड अगर कोई मारे तो बोलते हैं कि पूरा 360 अंश परिक्रमा कर लिया इसने, तो 360 को 2π हमने जैसे ही हमने इंट्रोडक्शन में बताया है, एक राउंड में पूरा 2π रेडियन घूमता है। अब देखिए एक परिक्रमण में 2π है तो 5 परिक्रमण में कितना, 5 परिक्रमण में, है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 × 2π, एक में 2π तो 5 में कितना, तो 2π, ठीक ना। तो ये आ गया अपना रेडियन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक परिक्रमण बराबर 2π रेडियन, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में है, एक वृत्त, तो पहले वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो चलिए 100 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, R बराबर 100 सेंटीमीटर की, है ना, 100 सेंटीमीटर की है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, देखिए चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, मान लिया ये कितना हो गया, ये चाप हो गया, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, 22 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये चाप हो गया। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, ये डिग्री हम ये हमको
थीटा निकालना है ना, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो इसमें देखिए पाई का मान 22 बटे 7 का प्रयोग करने के लिए बोला है, तो यहाँ लिख लेते हैं, माना वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, और इसमें आर बराबर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और एल है ना चाप की लंबाई कहलाता है, ठीक है, इसको लिख देते हैं चाप की लंबाई एल बराबर 100 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है। तो हमको देखिए इसमें थीटा निकालना है, इतना समझ में आ गया, और वो थीटा रेडियन में निकालना है हमको, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। देखिए केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण है ना, डिग्री में निकालना है हमको। देखिए ये रिलेशन मालूम है, थीटा बराबर एल बाई आर, ठीक ना, ये रिलेशन हमको मालूम है। अब देखिए ये जो इस रिलेशन से या इस संबंध से जो हमको थीटा का मान निकलेगा, वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो रेडियन में होता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो भी थीटा निकलेगा हमको रेडियन निकलेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले रेडियन में निकाल लेंगे, फिर इसको हमको जैसे पहले बताया हमने सीखा है प्रश्न नंबर 1 और 2 में कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलता है, तो बदल लेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं थीटा बराबर एल कितना है 100, और त्रिज्या कितना है, सॉरी एल कितना था 22 था, यहाँ 22 था, ये 22 लिखेंगे और ये 100 हो गया, ठीक ना। तो ये हमको ये आ गया, देखिए जो डिग्री आया वो जो डिग्री का मान आया रेडियन में आया, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जब कभी ये फॉर्मूले में रखेंगे तो हमेशा एल और आर की इकाई सेम होनी चाहिए, ठीक ना, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में है तो मीटर में ही होनी चाहिए, वरना इसका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 पंचे ये हो गया 11/50 आ गया थीटा बराबर, ठीक ना, तो ये रेडियन में है, और रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो हमको मालूम है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 11/50 गुड़े 180 बटे पाई का गुड़ा कर लेंगे, ठीक ना, तो ये पूरा डिग्री बदल गया। अब पाई का मान रख लेंगे यहाँ पर, यही कर लेते हैं, देखिए यहाँ कर लेते हैं, ठीक ना, इसको यहाँ लिखना था तो ये पूरा यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया, ठीक ना, रिलेशन लिख देने से अच्छा रहता है, ये हो गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर, देखिए जो कट रहा है काट लेते हैं, 0 0 कट रहा है बस, 18 × 15 कर लेते हैं तो जगह 100, ये हो गया 98 हो जाएगा, बटे 5। अच्छा पाई का मान भी रखना था तो यहाँ रख लेते हैं पहले, तो यहाँ रख लेंगे 11/50 गुड़े 180 बटे 22 बटे ये 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए जो कटता है वहाँ काट लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 11/50 गुड़े 180 बटे 22 बटे 7, तो ये 0 0 कटा, काट दिया, 2 11 1 11 11 2 22 2 1 2 2 9 18 तो हो गया 7 9 63 63/5, तो ये कितना आ गया, ये अपना डिग्री में आया, ठीक ना। अब डिग्री में है तो भिन्न में नहीं है, हम इसको भाग देकर मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको भाग दे लेते हैं यहाँ पर, 63 को 5 से भाग देना है, 5 एकम 5 5 2 10 ये 3 आया, यहाँ लिख देते हैं 12 3/5 ये डिग्री, तो पूर्ण संख्या वाला अलग प्लस 3/5 ये अलग लिख लिया हमने, ठीक ना। अब ये जो डिग्री जो भिन्न वाला है उसमें अगर हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक ना, ये हमको मालूम है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक ना, तो इस रिलेशन से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5
गुणे 60, तो ये हमको मिनट में बदल गया, तो हो जाएगा 12 डिग्री प्लस ये हो गया 12 36 डिग्री मिनट। तो इस प्रकार इसको मिला के लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये उत्तर आ गया है ना। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का मान ये आ गया, देखिए डिग्री में आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए एक प्रश्न नंबर 5 है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, देखिए व्यास है 40 सेंटीमीटर, देखिए वृत्त खींच लेते हैं, व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा R बराबर 40/2 है ना, मतलब कट के ये 20 सेंटीमीटर आ गया, तो त्रिज्या आ गई कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है। जीवा देखिए यहाँ खींच लेते हैं, ये जीवा कहलाती है, ये है 20 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला छोटा चाप है, ठीक ना, ये छोटा चाप है और ये दीर्घ चाप है ना, बड़ा वाला चाप है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। L मान लेते हैं इसको, तो लिखेंगे माना वृत्त के छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई L मान लिया, ठीक ना, L है। अब देखिए हमको मालूम है, देखिए इसमें क्या आया, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक ना, जीवा थी ये, तो ये जो त्रिभुज बना ओ ए बी, जो त्रिभुज बना है वो एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक ना, ओ ए बी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं और हमको मालूम है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये 60 ये 60 ये 60 है, हमको ये 60 से मतलब था। देखिए हमको थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो देखेंगे चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे अतः इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। आज जैसे हमने माना था छोटे चाप की लंबाई L है एवं केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण हम थीटा मान लेते हैं, थीटा है, ठीक ना, ये हो गया। तो देखिए थीटा हमको प्राप्त हो गया, तो इसमें हम देखो थीटा क्या प्राप्त हुआ, 60 डिग्री प्राप्त हो गया। देखिए थीटा प्राप्त हो गया, आर प्राप्त हो गया, तो हमको एल निकालना है, ठीक ना। तो हमको जैसे देखिए मालूम है ये जो रिलेशन है थीटा बराबर थीटा, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, देखिए थीटा बराबर एल बाई आर होता है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ मान रख दें हमको यल का नाम, ये यल बराबर थीटा गुड़े आर हो जाएगा, ठीक ना, तो हमको यल का मान निकल जाएगा, है ना, चाप की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए इसमें हमने पहले बताया कि इस संबंध में जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है हमेशा, ठीक ना, इसको डिग्री में नहीं रखते हैं, तो इस संबंध, तो हमको इसमें मान रखने के लिए इस थीटा का हमको रेडियन में चाहिए और ये हमको डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको देखिए बदल लेंगे, इसको रेडियन में बदल लेंगे, तो देखिए 60 गुणे,
इसको देखिए रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से गुणा कर लेंगे तो हमको रेडियन में बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये जगह 0 0 6 कम 6 3 18 तो ये हो गया पाई बाई 3, ये रेडियन में आ गया, ठीक ना। वैसे भी 60 का याद होना चाहिए, पाई बाई 3 होता है ये इसका। अब यहाँ मान रख देते हैं हम, तो ये हो गया पाई बाई 3 यहाँ रख दिया और त्रिज्या कितनी है 20, तो इस प्रकार 20 पाई बाई 3 और ये सेंटीमीटर, तो ये एल के मान आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, लिखा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई, प्रश्न नंबर 6 में है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लिखा है, देखिए दो वृत्त ले लिया, एक वृत्त लिया और एक वृत्त ये ले लिया, बोलता है इनमें जो दोनों वृत्त में जो चाप है, चाप की लंबाई बराबर है। तो जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये देखिए ये लिया ये लिया, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण देखिए कितना हो जाएगा, ठीक ना, ये कोण हो गया तो ये हो जाएगा 60 डिग्री ले लिया। और अगर इतना ही बड़ा चाप यहाँ पर भी लेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए बराबर चाप होना चाहिए, तो ये हमको कितना आ गया 75 डिग्री हो गया, ठीक ना। चाप की लंबाई सेम है, देखिए ये एल है तो ये भी एल है, और इसमें क्या है तो त्रिज्याओं का अनुपात, तो इस वृत्त का त्रिज्या हमने मान लिया R1 और इस वृत्त की त्रिज्या R2 ले लिया, ठीक ना। तो इसमें क्या निकाला है, त्रिज्याओं का अनुपात ही ज्ञात करना है। हमको एल एल बराबर ही है, त्रिज्या का मान दिया है तो आर का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं माना त्रिज्या R1 एवं R2 क्रमशः, इसको C1 ले लेते हैं और इसको C2 है ना, सर्किल 1 सर्किल 2, पहले वृत्त C1 एवं दूसरे वृत्त C2 की त्रिज्याएं हैं, और इसको θ1 ले लेते हैं, θ1 और इसको θ2 एवं θ1 एवं और θ2 क्रमशः वृत्त C1 एवं C2 की केंद्र पर उनके चापों द्वारा अंतरित कोण है, ठीक ना, अंतरित कोण हो गया, और दोनों वृत्तों के समान चापों की लंबाई L है, ठीक ना। तो हमने सभी तीनों कवर कर लिया। अब देखिए इसमें लिखेंगे, देखिए हमको यहाँ पर रिलेशन होता है थीटा बराबर एल बाई आर, ठीक ना। तो इससे हमको क्या हो जाएगा, देखिए यल है तो यल बराबर θ1 R1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार L बराबर θ2 और ये R2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें ये है θ1 θ2 का मान डिग्री में दिया हुआ है, और इस वाले संबंध में हम अगर थीटा का मान रखेंगे तो रेडियन में रखेंगे, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, θ1 बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए इसको आगे हम लिख भी लेते हैं, देखिए L L दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे θ1 R1 बराबर θ2 R2, ठीक ना। और इससे
आर वन और आर टू का अनुपात ज्ञात करना है, तो आर वन बटे आर टू क्या हो जाएगा, थीटा टू बटे थीटा वन। तो अब हम यहाँ पर थीटा वन थीटा टू का मान लिख कर इसको रेडियन में बदल लेते हैं। तो थीटा वन कितना है 60 डिग्री, इसको बदलेंगे तो जाएगा 60 गुणे पाई बाई 80, ये कट के 3 आ जाएगा, तो जाएगा पाई बाई 3 आ गया। इसी प्रकार थीटा टू बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 75 गुणे पाई बाई 180, और इसको मान देखिए कितना हो जाएगा, 5 के पौना से ही कट जाएगा, तो 5 15 और ये 36, तो ये आ गया 36। अभी और कटेगा 5 3 5 15, 3 1 3 2 6, तो ये हो गया 5π/12 आ गया, ठीक ना। अब इसका मान इस पर हम रख देते हैं, तो इसके नीचे देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया आर वन बटे आर टू बराबर थीटा टू कितना आया है 5π/12 बटे पाई बाई 3। तो देखिए मेन बटा ये है, तो बाहर बाहर गुणा होता है और अंदर अंदर गुणा होता है, तो बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 5π/3 बटे 12 × π आ जाएगा, तो पाई पाई कट गया, 3 1 3 4 12, तो 5/4 आया। तो हमको आर वन अनुपाते आर टू का क्या आ गया, 5/4 आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार इनका अनुपात ज्ञात हो गया। अब देखिए इतना हमने इसको कन्वर्ट किया है डिग्री में, डिग्री से पहले रेडियन में बदला है। देखिए कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं, देखिए अगर R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना ही है तो इसमें देखिए अगर इसको बिना डिग्री रेडियन में बदले अगर हम मान रख दें यहाँ पर, तो इसका देखिए क्या आया था, थीटा 2 बटे थीटा 1 लिखा है, थीटा 2 बटे थीटा 1 अगर हम इसको डिग्री में ही रख दें यहाँ पर मान, तो देखिए क्या आता है, डिग्री में रख देंगे तो 75/60 आ गया, तो 15 × 60 15 × 75, तो 5/4 हमको यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये तुरंत आंसर आ गया, मगर देखिए इतना कराने का ये मतलब होता है कि देखिए जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जब ये जो थीटा बराबर एल बाई आर है, तो इसमें जब भी हम थीटा का मान रखते हैं तो हमेशा इसको रेडियन में लिखते हैं, ठीक ना। और इस तरह डिग्री में रख देने से आंसर आ जाएगा, मगर स्टेप सही नहीं होता है। इस प्रकार देखिए अगर इस तरह एग्जांपल देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में भी इसको इसी प्रोसेस से ही किया गया है, पहले डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करके फिर इसको मान रख के अनुपात निकाला गया है, ठीक ना। इसी प्रकार के एक एकदम ऐसा ही एक उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो देखिए जो स्टेप जो रूल होता है उसी के हिसाब से करेंगे। हाँ इसमें अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो हम इस तरह करके इसका मान लगा सकते हैं, ठीक ना, मगर अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो हमको इसी प्रकार का करना होता है। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 6 हो गया, अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलाय मान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। देखिए पेंडुलम है, दोलन पेंडुलम बोलते हैं इसको, देखिए ये रखा, ये यहाँ से इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये इससे इतना तक ही ऊपर से जाएगा, फिर ये वापस ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे है ना, इसको दोलन करता है अपने स्थान एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक ना। तो इसको बोला देखिए क्या लिखा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक है ना, तो ये 75 हो गया, तो ये 75 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अगर हम इसको पूरा अगर ऐसे घुमा दें, ठीक ना, इसे पूरा घुमा दें तो ये इस प्रकार एक ये पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक ना। और अगर ये वृत्त बन गया तो उसका ये केंद्र हो जाएगा और ये पूरी इसका तो ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, पूरा घुमाएगा इसको, तो ये हो गया R बराबर 75 सेंटीमीटर, ठीक ना। और बोलता है इसके नोक द्वारा ये चाप की लंबाई निम्नलिखित है, और हमको क्या निकालना है, रेडियन में कोण जो बन रहा है केंद्र पर, ये जो कोण बन रहा है थीटा, इसको हमको रेडियन में ज्ञात करना है, और इसकी चाप की लंबाई के लिए 3 भाग दे रखा है। तो पहले भाग में देखिए लिखेंगे L बराबर 10 सेंटीमीटर,
और ये आर सबके लिए काम करेगा 75 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखेंगे, देखिए होता है थीटा बराबर एल बाई आर, और थीटा हमेशा इस फॉर्मूले से हमने बताया है कि हमेशा रेडियन से ही ज्ञात करना है, ज्ञात होता है, और हमको इस क्वेश्चन में रेडियन में ही निकालना है, इसलिए ये बहुत सरल हो जाएगा। एल का मान 10 दिया हुआ है, आर का मान 75 दिया हुआ है, तो इसको सरल कर लेंगे जितना आएगा, 5 × 10 और 75, तो इस प्रकार 2/15 हो गया ये रेडियन, है ना, थीटा, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा भाग है इसका, दूसरे भाग में है एल बराबर 15 सेंटीमीटर, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा लेंगे थीटा बराबर एल बाई आर, तो हम मान रख देंगे, तो एल का मान 15 और आर का मान 75, तो 15 × 1=15, 15 × 5=75, तो थीटा रेडियन बराबर 1/5 आ गया, ये रेडियन में है तो रेडियन, ये सॉरी ये रेडियन में है तो रेडियन में ही लिख लेंगे, हाँ ना, ये रेडियन लिख लेते हैं, तो रेडियन में हो गया। इसी प्रकार तीसरा भाग है इसका 21 सेंटीमीटर, क्या चीज़ है ये, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला लगा लेंगे थीटा बराबर एल बाई आर, एल का मान कितना है 21, आर का मान 75 सेंटीमीटर, तो इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 7=21, 3 × 6=15, तो ये हो गया थीटा सी बराबर 7/25 रेडियन, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का सभी भाग हो गया। तो देखिए ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, अब हम प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे।